अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में हमने पढ़ना है MGT 211 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 ओपन हो गया था, यानी कि मैंने अपलोड कर दिया था, चैनल पे पढ़ा होगा तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ओनली हम सिक्योर्स होंगे और मिड टर्म की ये हमारे पास हमारी प्रिपरेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरी थिंग आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड्रीज दैट माइट अफेक्ट इट, जो कि अफेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो क्या होती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, डैश दैट विच सेपरेट्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्राम इट्स इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, थर्ड सवाल है हमारे पास, डैश इंक्लूड इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, पोलिटिकल लीगल कंसिडरेशन, सोशल इशूज एंड दी ग्लोबल इन्वायरमेंट इशूज़ ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दी बिजनेस इन्वायरमेंट इट सेल्फ एंड न्यूमरस अदर इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये होता है मल्टीपल इन्वायरमेंट्स, मुतद माहौलियात में इकतसादी हालात, टेक्नोलॉजी, सियासी कानूनी तहफात, समाजी मसाइल, आलमी माहौल, अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी के मसाइल, खुद कारोबारी माहौल और मुतद दीगर उभरते हुए चैलेंजेस और मौके शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन इन एन इकोनमी, उसमें कहते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस का क्या होता है? साइकिल होता है, कभी बिजनेस में अप्स होते हैं, कभी डाउन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, उसमें क्या कहते हैं? एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट। टोटल क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्रीज सिटीजन्स कैन परचेज विद द करेंसी यूज इन दियर इकोनॉमिक सिस्टम, तो इसमें क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड बाय अ नेशनल इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GDP। नेक्स्ट क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशनल इकोनॉमी विद इन अ गिवन पीरियड रिगार्डलेस ऑफ वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लोकेटेड, तो ये होता है GNP, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। द ग्रोथ रेट ऑफ GDP एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी, तो ये होता है रियल ग्रोथ रेट। ठीक है, GDP पर पर्सन एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GDP पर कैपिटा, GDP कैलकुलेटेड टू अकाउंट फॉर चेंजेस इन करेंसी वैल्यूज एंड प्राइस चेंजेस वर्सेस नॉमिनल GDP, GDP मेजर्ड इन करंट डॉलर्स और विद ऑल कंपोनेंट्स वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, ये होता है रियल GDP। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल दैट एक्सचेंज रेट्स आर सेट सो दैट द प्राइसेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर अबाउट द सेम, ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि असूल के शरा मुबादला इस तरह मुतय्यन की जाती है कि मुख्तलिफ ममालिक में एक जैसी मसनूआत की कीमतें एक जैसी हों। ठीक है, तो उसमें कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट क्या? मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कंपेयर्स हाउ मच अ सिस्टम प्रोड्यूसेस विद द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस इट, तो होती है प्रोडक्टिविटी। माशी नमू का पैमाना जो इसका मुवाजना करता है कि एक निज़ाम कितनी पैदावार करता है और इसे पैदा करने के लिए दरकार वसाइल। ठीक है, 14th सवाल है, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट दैट अ कंट्री एक्सपोर्ट्स माइनस दी, यानी कि कंट्री की जो एक्सपोर्ट है उससे माइनस कर दो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रिजल्ट व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट सेल्स टू अदर कंट्रीज मोर देन इट इम्पोर्ट। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट, तो वो क्या होगा? ट्रेड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रिजल्ट व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट, जब कंट्री इम्पोर्ट करता है ज़्यादा और एक्सपोर्ट करता है कम, तो क्या होता है? ट्रेड डेफिशिएट। नेक्स्ट क्या, अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट ओज इट्स क्रेडिटर्स, जो होता है नेशनल डेब्ट, रकम की रकम जो हुकूमत ने अपने कर्ज दगान पर वाजिब अलादा है। 18 सवाल है हमारे पास, कंडीशन इन एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द अमाउंट ऑफ मनी
अवेलेबल एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर ग्रोइंग एट अबाउट द सेम रेट। तो ये होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक माशी निज़ाम की हालत जिसमें दस्तियाब रकम व सामान और खदमात की पैदावार की मकदार तकरीबन इसी शरह से बढ़ रही है। दैट इज़ वन फैक्टर विच थ्रेटन स्टेबिलिटी इंक्लूड डैश ओकरेंस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइस इंक्रीजेज थ्रू आउट एन इकोनॉमिक सिस्टम बियरिंग डैश, डैश में कहेगा इन्फ्लेशन। एक माशी निज़ाम में बड़े पैमाने पर कीमतों में इजाफे का वाक़या पैमाइश। द सी पी आई मेजर ऑफ द प्राइसेज ऑफ टाइपिकल प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स लिविंग इन अर्बन एरियाज, के होता है इन्फ्लेशन। शहरी इलाकों में रहने वाले सार्फिन के जरिए खरीदी गई आम मसनूआत की कीमतों की पैमाइश। लेवल ऑफ जॉबलेसनेस अमंग पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में भी अ सिम्टम ऑफ डैश इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, ठीक है। पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट एज मेजर्ड बाय रियल जीडीपी डिक्लाइंस रिसेशन, वो दौरानिया जिसके दौरान मजमूई पैदावार जैसा कि हकीकी जीडीपी से मापा जाता है में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पार्टिकुलरली सर्व एंड लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन, वो होता है डिप्रेशन। नेक्स्ट क्या, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट डिटरमाइन हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एंड स्पेंड्स इट्स रेवन्यूज़, तो होता है फिस्कल पॉलिसीज़, हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ जो इस बात का तयन करती हैं कि हुकूमत अपने महसूलात को कैसे इकट्ठा करती है और ख़र्च करती है, वो क्या होती है, मालियाती पॉलिसियाँ होती हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ नेशंस मोनिटरी सप्लाई, मोनिटरी पॉलिसीज़ होती हैं। हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ जो किसी मुल्क की मालियाती फरहमी के हजम का तयन करती हैं। 27 सवाल है हमारे पास, गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्रेसिंग बोथ फिस्कल एंड मोनिटरी पॉलिसीज हुज गोल इज़ टू स्मूथ आउट फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू स्टेबलाइज प्राइसेस, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। हुकूमती पॉलिसियां मालियाती और मालियाती दोनों पॉलिसियों को अपनाती हैं जिसका मकसद पैदावार और बेरोज़गारी में उतार चढ़ाव को हमवार करना और कीमतों को मुस्तहकम करना है। न्यू टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थाट्स इन एरियाज सच एज बायोटेक्नोलॉजी विल क्रिएट इंटायरली, तो कहते हैं न्यू इंडस्ट्रीज। इंक्रीजिंग डैश विल क्रिएट मच लार्जर मार्केट्स वाइल आल्सो फोस्टरिंग टफर कंपटीशन अमंग ग्लोबल बिजनेसेस। एज अ रिजल्ट कंपनीज विल नीड टू फोकस इवन मोर ऑन इनोवेशन एंड कॉस्ट कटिंग, ग्लोबलाइजेशन। बढ़ते हुई आलमगीरियत से बहुत बड़ी मार्केटें पैदा होंगी और आलमी कारोबारों के दरमियान सख्त मुकाबले को भी फ़रोग मिलेगा। नतीजे के तौर पर कंपनियों को जिद्दत और लागत में कमी पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 30 सवाल हमारे पास, देर आ नंबर ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ नियर फ्यूचर सडन चेंजेस इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज वार कैन अल्टर दीज प्रोजेक्शंस प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। मुस्तकबिल करीब के लिए बहुत से अंदाजे हैं, माहौलियाती अवामिल हैं, अचानक तब्दीलियाँ जैसे जंग इन तखमीनों को बदल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आप वीडियो जो है इसको रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। 31 सवाल है, काफ़ी लंबा सवाल है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सवाल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे बड़े बड़े सवाल आगे, इसको आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इट अफेक्ट द बिजनेस डैश पॉजिटिवली एंड द डेमोग्राफिक फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस इज डैश एजुकेशन लेवल। नेक्स्ट क्या है, इट इफ़ एजुकेशन लेवल ऑफ पब्लिक इज़ हाई, अगर एजुकेशन लेवल पब्लिक का हाई होगा दैन द सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर विल इंक्रीज, बढ़ेगी अनस्किल्ड लेबर, और अगर एंड सप्लाई आप अनस्किल लेवल विल डिक्रीज, और जो जिनको काम ही नहीं सही नहीं आता वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ लो एजुकेशन लेवल सप्लाई ऑफ स्किल लेबर विल डिक्रीज, तो आपको जो है वो स्किल लेबल जो है वो नहीं मिल पाएंगे अगर लो एजुकेशन होगी। एजुकेशन लेवल आल्सो अफेक्ट द बाइंग पैटर्न ऑफ डैश कस्टमर, ठीक है। एजुकेशन लेवल अफेक्ट करती है कि बाइंग पैटर्न जो है क्या है कस्टमर्स का। नेक्स्ट है, इफ़ दे आर हाईली एजुकेटेड दैन द बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट बी केयरफुल
अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स डैश प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर वो आला तालीम याफ्ता हैं तो कारोबारी इदारे को अपनी मसनूआत और खिदमात के मयार के बारे में मुहतात रहना चाहिए। इन द सेम वे जेंडर एंड एज कम्पोजिशन, इनकम लेवल, जियोग्राफिकल लोकेशन इटीसी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ठीक है, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होती है चीज़ें? लीगल एंड गवर्नमेंटल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गली अफेक्ट द डैश बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजन, सियासी और कानूनी माहौल कारोबारी फैसलों पर सख्त असरअंदाज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 43 सवाल है, ये आप इसको लोगों के पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। ठीक है, उर्दू के साथ मैंने इसके लिख दिया ताकि आपके लिए कोई मसला परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्या है, लॉज एंड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस दी डिसीजन मेकिंग एंड लिमिट दी बिजनेसेस फॉर दी डैश कंट्रीज वेल बींग। कवानीन और जवाबित फैसला साजी पर असर अंदाज होते हैं और मुल्क की फलाह के लिए कारोबार को महदूद करते हैं। द टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट बोथ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, क्या होती है? टेक्नोलॉजीज। ऑल दो मैनी पीपल एसोसिएट टेक्नोलॉजी विद मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन द डैश सर्विस सेक्टर। अगरचे बहुत से लोग टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग के साथ मुंसलिक करते हैं, लेकिन यह सर्विस सेक्टर में भी एक अहम कुव्वत है। नेक्स्ट क्या 47 सवाल है, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 48 सवाल पे। लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फर्म्स प्रोसेसेस अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस डिपार्टमेंट्स एंड जियोग्राफिक लोकेशंस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ERP। नेक्स्ट क्या, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट दी वर्किंग ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज सिग्निफिकेंटली। समाजी और सकाफती अवामिल कारोबारी इदारों के काम को नुमाया तौर पर मुतासर करते हैं। सोशियो कल्चर फैक्टर्स इंक्लूड द डैश सोसाइटल वैल्यूज एटीट्यूड कस्टमर कस्टम्स रिलीजन बिलीव्स हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस इटीसी। सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स हैव कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर डैश प्रोडक्ट्स इज द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ एनी सोसाइटी हैज़ इन्फ्लुएंस अवर द बाइंग बिहेवियर ऑफ दिस दैट सोसाइटी। समाजी सकाफती रुझानात का मसनूआत की मांग पर काफ़ी असर पड़ता है, जैसे कि किसी भी माशरे का गालिब मज़हब इस माशरे के खरीद व फरोख पर असर अंदाज होता है। 52 सवाल है, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर सच एज चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट अर्थक्वेक फ्लड्स स्टॉर्म्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड इन डैश नेचुरल एनवायरनमेंट। जुग्राफियाई और माहौलियाती अवामिल जैसे मौसम और आबो हवा में तब्दीली, जलजिला, सैलाब, तूफान और कुदरती वसाइल को कुदरती माहौल में समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कि नेचुरल फैक्टर आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेस अंटिल यूनिट हाउएवर वाइल कंसीडरिंग नेचुरल फैक्टर्स मैनेजर्स विल डेवलप देयर डैश प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्लानिंग मार्केटिंग प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, वेदर कंडीशन इन्फ्लुएंस द बाइंग पैटर्न डिमांड फॉर हीटर्स स्वेटर एंड वूलन क्लॉथ्स विल बी मोर इन विंटर वाइल इन समर देयर विल बी मोर डिमांड फॉर एयर कंडीशन फैंस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये लेक्चर नंबर 2 था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी कॉमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है आपको। वीडियो पर अगर आप न्यू हैं तो लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।